वृंदावन में बनने जा रहा है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। बोलो राधे राधे जय श्री कृष्ण। यह मंदिर है वृंदावन में बनने वाला चंद्रोदय मंदिर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंचा होगा। बताया जा रहा है कि इस्कॉन संस्था द्वारा वृंदावन में बनाए जाने वाले 70 मंजिला इस चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर होगी और यह एक पिरामिड के आकार में बनाया जाएगा। इसे बनाने की तैयारियां 2006 से ही की जा रही थी। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी केवल ऊंचाई ही नहीं बल्कि गहराई भी अधिक होगी ताकि नींव भी उतनी ही मजबूत रहे। यह इमारत लगभग 55 मीटर गहरी होगी और इसका आधार 12 मीटर तक ऊंचा होगा, जबकि दुबई स्थित दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की गहराई मात्र 50 मीटर है। इस तरह चंद्रोदय मंदिर की गहराई बुर्ज खलीफा से भी 5 मीटर अधिक है। प्राकृतिक आपदा के लिहाज से भी इसे काफी मजबूत बनाया जा रहा है और 8 रिक्टर स्केल से अधिक तीव्रता का भूकंप भी इसे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। इसके अलावा इसमें प्रयोग किए जाने वाले कांच और अन्य सामान भी भूकंप रोधी होंगे। कुल 511 पिलर वाला यह मंदिर 9 लाख टन भार सहने की क्षमता वाला होगा और 170 किलोमीटर की तीव्रता के तूफान को भी झेलने में सक्षम होगा। बोलो राधे राधे। 70 मंजिला इस इमारत में प्रारंभिक 3 तलों पर चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण बलराम के मंदिर के अलावा अन्य तलों पर आगंतुकों के लिए गैलरी, टेलीस्कोप सुविधा और अन्य सुविधाएं होंगी जो आसपास के धार्मिक स्थानों से जुड़ने के लिए सहायक होंगी। इसमें लगाई जाने वाली लिफ्ट की तीव्रता 8 मीटर प्रति 2 सेकेंड होगी। साथ ही इमारत के टेढ़ा होने पर भी यह सीधी ही चलेगी। परंपरागत द्रविड़ और नगर शैली में बनाया जा रहा यह मंदिर 200 सालों में अब तक का सबसे मॉडर्न मंदिर होगा, जिसमें 4D तकनीक द्वारा देवलोक और देवी लीलाओं के दर्शन भी किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, इस मंदिर के आसपास प्राकृतिक वनों का वातावरण तैयार किया जाएगा और यमुना जी का प्रतिरूप तैयार कर नौका विहार जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा इसमें श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं को जानने के लिए लाइब्रेरी तथा अन्य माध्यम भी होंगे। 10 एकड़ के अंडरग्राउंड पार्किंग के अलावा सड़क निर्माण और अन्य सुविधाओं को मिलाकर इसके निर्माण में कुल 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हां, आप जानना चाहते होंगे कि इतनी सुविधाओं से लैस यह मंदिर कितने करोड़ का है, तो 500 करोड़ रुपए लागत से ये बनने जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण 2022 तक पूरा होगा और भारत में दुनिया के सबसे ऊंची इमारत वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर के रूप में जानी जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।